आपका क्वेश्चन है इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म फाइंड एपी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है, जैसा इसने कहा है वैसे लिख लेते हम। इसने कहा है 10th टर्म यानी ए 10 इज इक्वल टू कितना 52, लेकिन 52 को फॉर्मूला में ए 10 और 52 को फॉर्मूला में हम जब लिखेंगे तो कैसे आएगा। ए 10 को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इज 90 इज इक्वल टू 52। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर इसने क्या कहा, 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म, यानी आपका क्या हुआ, ए 17 इज इक्वल टू ए 13 प्लस 20। ठीक है, ए 17 को हम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में ए प्लस 90 जैसे लिखा था, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस 16d। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 16d और ए 13 क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस 12d प्लस 20। और ए एंड डी दोनों को लेफ्ट साइड में इस साइड में लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 12d इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो a एंड माइनस a गेट कैंसल्ड, 16d माइनस 12d इज 4d इज इक्वल टू 20। तो व्हाट इज d इज इक्वल टू 20/4, 4 से कट करेंगे तो हमारा आएगा 5। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, d की वैल्यू को हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में डालेंगे जो हमारा है a प्लस 9d इज इक्वल टू 52। तो हमारा क्या है, a प्लस 9 इंटू d इज 5 इज इक्वल टू 52। तो हमारा क्या हो गया, a प्लस 45 इज इक्वल टू 50 को राइट साइड में लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 52 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 7। तो a इज 7 d इज 5 तो हमारा एपी क्या बनेगा, एपी हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग विथ 7, 7 प्लस 5 इज 12, नेक्स्ट 12 प्लस 5 इज 17, 17 प्लस 5 इज 22 एंड सो। ठीक है,